गुड मॉर्निंग एवरीवन कंटिन्यूइंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट या फिर रीजंस क्या है फॉर वोलेटिलिटी इन एक्सचेंज रेट ग्लोबलाइजेशन जब प्ले में आया वर्ल्ड में तो मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज जो थी वर्ल्ड की उन्होंने अपने एक्सचेंज रेट के मेथड को शिफ्ट किया फ्रॉम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट टू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम अब जो एक्सचेंज रेट है डिफरेंट करेंसीज का वो डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड पैरामीटर्स पर डिफरेंट करेंसीज के तो जो वॉल्टैलिटी है एक्सचेंज रेट में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू अराइज होता है जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर आता है तो एक ये सीरियस इश्यू है इकोनॉमीज के लिए जैसे इंडिया जहां पर जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंटली डिपेंड करती है एफडीआई के ऊपर जो स्टेबिलिटी है एफडीआई की वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट के ऊपर इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट अगर जो एक्सचेंज रेट है वो वॉलोटाइल होगा तो जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की वो भी स्टेबल नहीं हो पाएगी इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी रहेगी इन द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिक ग्रोथ तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज को वो कौन कौन से हैं सबसे पहला है सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन जो सेंट्रल बैंक है किसी भी कंट्री का वो इंटरवेंट कर सकता है फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि जो एक्सचेंज रेट है उसको मूव करने के लिए जो उसकी करेंसी का डोमेस्टिक करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उसको मूव करने के लिए और जो दूसरी इंपॉर्टेंट करेंसीज हैं उनका भी एक्सचेंज रेट जो है उसको वो इफेक्ट कर सकता है अगर वो उसकी खुद की कंट्री के इंटरेस्ट में है तो वो क्या करता है पार्टिसिपेट करता है फॉरेक्स मार्केट में ये इंश्योर करने के लिए कि जो फॉरेन करेंसी है वो मार्केट में अवेलेबल हो एट टारगेटेड रेट तो इसके लिए वो बाय करता है सेल करता है फॉरेन करेंसी को किस व्यू से कि इंक्रीज और डिक्रीज करके सप्लाई और डिमांड फॉरेन करेंसी की वो इफेक्ट कर सकता है एक्सचेंज रेट को फॉर एग्जाम्पल अगर जो सेंट्रल बैंक है उसे ये फील होता है कि जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिशिएट कर रही है और उसकी वजह से आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नेगेटिवली इफेक्ट हो रहे हैं तो वो बाय करेगा फॉरेन करेंसी को ताकि नेसेसरी चेंजेस एक्सचेंज रेट में हो जाए द नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट रेट जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो भी इंफ्लुएंस्ड होता है बाय इंटरेस्ट रेट जो आपका इंटरेस्ट रेट है एक कंट्री का वो अगर इंक्रीज कर रहा है एज अगेंस्ट अदर कंट्रीज तो ये एडवांटेजियस होगा फॉरनर्स के लिए कि वो आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करे और उससे क्या होगा फॉरेन कैपिटल जो है आपकी कंट्री में आना शुरू होगी इन सर्कमस्टांसिस के अंदर जो डिमांड है डोमेस्टिक करेंसी की वो इंक्रीज होगी जिससे जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो फेवरेबल हो जाएगा और इसका उल्टा अगर जो इंटरेस्ट रेट है आपका फॉल कर रहा है तो उसका एडवर्स इफेक्ट होगा एक्सचेंज रेट पर फॉर एग्जांपल अगर डिक्रीज कर रहा है आपका डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट तो वो डिस्करेज करेगा एनआरआईस को कि वो अपना जो फंड्स हैं वो डिपॉजिट ना करे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में और उसकी वजह से जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की वो रिड्यूस हो जाएगी जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा ऑन द अदर हैंड अगर इंक्रीज हो रहा है डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट में तो वो इंकरेज करेगा एनआरआई को कि वो डिपॉजिट करे अपना फंड्स इंडियन बैंक्स में और उसकी वजह से जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की वो इंक्रीज हो जाएगी और एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशंस जो इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं किसी भी कंट्री में वो भी इन्फ्लुएंस करती है एक्सचेंज रेट को बहुत सारे तरीकों से जैसे फर्स्ट है प्रोटेक्शन पॉलिसी प्रोटेक्ट करके इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन जो इम्पोर्ट हैं उन्हें कम किया जा सकता है और जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें इनक्रेज किया जा सकता है और उसका इफेक्ट क्या होगा कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका होगा जो रेट ऑफ एक्सचेंज को कंट्री के फेवर में कर देगा देन नेक्स्ट इज वॉर और पीस अगर कंट्री में पीस है स्टेबल है इम्पार्शल है एफिशिएंट गवर्नमेंट है तो वो इंस्पायर करती है कॉन्फिडेंस अमंग दी फॉरनर्स और वो इन्वेस्ट करते हैं अपनी कैपिटल इन द डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो ये जो है इसका फेवरेबल इफेक्ट है ऑन एक्सचेंज रेट देन फिजिकल पॉलिसी अगर गवर्नमेंट परस्यू कर रही है पॉलिसी डेफिश फाइनेंसिंग की तो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा एक्सचेंज रेट पर क्योंकि जैसे आपकी जो कंट्री है वो इन्फ्लेशनरी जो सिचुएशन है वो एक्सपीरियंस करेगी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो बजटरी डेफिशिएट जो है उसको मीट करने के लिए जो गवर्नमेंट है ज्यादा से ज्यादा करेंसी को इशू करेगी एंड ड्यू टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक मनी सप्लाई जो परचेजिंग पावर है डोमेस्टिक कंट्री करेंसी की वो डिक्रीज हो जाएगी और उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा एक्सचेंज रेट पर द नेक्स्ट इज रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अगर इंक्रीज होगा नेशनल इनकम में पर कैपिटा इनकम में हायर सेविंग इन्वेस्टमेंट रेट में तो ये इंडिकेटर्स हैं हायर इकोनॉमिक ग्रोथ की ये अट्रैक्ट करते हैं फॉरन इन्वेस्टर्स को और उससे जो डिमांड है आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वो इंक्रीज होती है जिससे जो एक्सचेंज वैल्यू है डोमेस्टिक कंट्री की वो अप्रिशिएट होती है नेक्स्ट इस मॉनेटरी कंडीशंस जो मॉनेटरी कंडीशंस है वो भी इंफ्लुएंस करती है रेट ऑफ एक्सचेंज को जैसे इन्फ्लेशन अगर इन्फ्लेशन है कंट्री में तो जो राइज इन प्राइस है उसका डर है इम्पोर्ट्स इंक्रीज होने का डर है क्योंकि जो इम्पोर्ट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो अनफेवरेबल हो जाएगा देन अगर डिफ्लेशन है तो तो अंडर डिफ्लेशनरी सिचुएशन जो वैल्यू है मनी की वो राइज करना शुरू कर देगी तो जो ज्यादा डिमांड होगी आपकी फॉरेन करेंसी की और उसकी वजह से जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो फेवर में हो जाएगा कंट्री के देन फैक्टर्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज जब आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं फॉरेन सिक्योरिटीज की डेप्ट सर्विसिंग कर रहे हैं मतलब पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डेप्ट सो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टॉक मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को जैसे डेप्ट सर्विसिंग है अगर डेप की जो ट्रांजेक्शन है वो चेंज लेके आएंगी रेट ऑफ एक्सचेंज में बैलेंस ऑफ पेमेंट को इन्फ्लुएंस करके जब जो सिटीजन्स हैं किसी कंट्री के वो बोरो करते हैं अब्रॉड से या उन्हें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ऑन लोन्स जो उन्होंने दिए थे पहले टू फॉरेन सिटीजन तो उस केस में जो सप्लाई है फॉरन करेंसी की वो इंक्रीज हो जाएगी कंट्री में और वो आपके एक्सचेंज रेट को आपके फेवर में कर देगी और अगर इसका उल्टा हुआ तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो अनफेवरेबल हो जाएगा देन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी जब जो आपके रेजिडेंट इन्वेस्टर्स है वो बाय कर रहे हैं फॉरेन स्टॉक को शेयर्स को सिक्योरिटी को तो जो पेमेंट है जिसके लिए उसके लिए वो फॉरेन करेंसी में कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो इंक्रीज हो जाएगा और जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो अनफेवरेबल हो जाएगा ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं स्टॉक शेयर्स को हमारी कंट्री में तो वो पेमेंट करनी है उन्हें हमारी करेंसी में तो उसकी वजह से जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की वो ज्यादा हो जाएगी डिमांड से तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो फेवरेबल हो जाएगा देन नेक्स्ट इज पोलिटिकल कंडीशन स्टेबल पोलिटिकल कंडीशन स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी में है तो वो इंस्पायर करते हैं फॉरन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए और उससे जो डिमांड है आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वो इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो भी इंक्रीज हो जाता है इसके अगर उल्टा होगा एडवर्स पॉलिटिकल कंडीशंस है तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो नीचे आ जाएगा तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो एटमोसफेयर ऑफ अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है द नेक्स्ट इज ट्रेड मूवमेंट्स जो चेंजेस हो रहे हैं इन वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री उसका भी इफेक्ट होता है रेट ऑफ एक्सचेंज पर अगर आपके इम्पोर्ट ज्यादा हैं एक्सपोर्ट से तो जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो इंक्रीज होगी और जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो फॉल करेगा कॉन्ट्रेरी अगर आपके एक्सपोर्ट्स एक्सीड कर रहे हैं आपके इम्पोर्ट्स को तो जो डिमांड है डोमेस्टिक करेंसी की वो इंक्रीज करेगी और जो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज है वो राइज करेगा देन नेक्स्ट इज कैपिटल फ्लो जो फ्लो है कैपिटल का फ्रॉम वन कॉन्ट्रेरी टू अनादर वो भी इफेक्ट करता है रेट ऑफ एक्सचेंज को अगर कैपिटल जो है अमेरिका से फ्लो कर रही है इंडिया में तो उसका फेवरेबल इफेक्ट होगा ऑन रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडियन रूपी नेक्स्ट इज ग्रोइंग स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसने प्रमोट किया स्पेक्यूलेशन को इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट जो डिमांड है इंटरनेशनल करेंसीज की वो अब ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए नहीं रह गई है सिर्फ उसमें स्पेक्यूलेटिव मोटिव भी इक्वली इंपॉर्टेंट है तो जो लोग हैं वो होल्ड करते हैं इंटरनेशनल करेंसीज को और अपना जो पोर्टफोलियो है इंटरनेशनल करेंसीज का वो उसे चेंज करते रहते हैं ताकि स्पेक्यूलेटिव गेन्स उनको हो सके तो जो एक्सचेंज रेट है वो भी बाउंड टू वाला है इन रिस्पॉन्स टू स्पेक्यूलेटिव मैंटेलिटी ऑफ इन्वेस्टर्स इन फॉरेक्स मार्केट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन जो आपका फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है डर्टी फ्लोटिंग जिसे हम कहते हैं तो सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन कैसे होती है फॉरेक्स मार्केट में किस तरीके से जो डर्टी फ्लोटिंग है वो प्ले में आती है ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम टू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम मोस्ट ऑफ दी जो कंट्रीज हैं उन्हें जिस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा दैट इज प्रॉब्लम ऑफ वॉलटैलिटी वॉलटैलिटी मतलब ड्रास्टिक चेंजेस जहां पर पॉसिबल होते हैं तो इस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए जो वर्ल्ड है उसने मूव किया एक सिस्टम को जिसे हम कहते हैं डॉटी फ्लोटिंग इस सिस्टम के अंदर क्या होता है सबसे पहले ये जो सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं किया जाता है बाय एनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो सेंट्रल बैंक होते हैं इस सिस्टम के अंदर जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो मैनेज करते हैं इंटरवेन करना इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट वो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट मार्केट में जो है वो इंटरवेन करते हैं किस व्यू से किस ऑब्जेक्टिव से ताकि जो एक्सचेंज रेट है फॉरेन एक्सचेंज रेट है उनको मॉडरेट किया जा सके अकॉर्डिंग टू दी इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री तो जो बैंक्स हैं, वो बाय और सेल करते हैं फॉरेन करेंसी को जैसे भी वो अप्रोप्रिएट समझते हैं ताकि जो वॉलटैलिटी है एक्सचेंज रेट में उसे टॉलरेबल रेंज के अंदर रखा जा सके और ये एक तरीके से मेनुपुलेशन ज्यादा है बजाय के सिस्टमेटिक एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज जो आप करते हैं फॉरेन करेंसीज़ का अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन तो जब आपके ओवरऑल ट्रेंड्स जो हैं एक्सचेंज रेट के डिटरमाइन मार्केट फोर्सेस से हो रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड से लेकिन स्टिल जो चेंज है डे टू डे रेट्स में उनके वो ज़्यादा नहीं हो रहा है उसका रीज़न क्या है उसका रीज़न यही है कि जो सेंट्रल बैंक है वो फ़ॉरेक्स मार्केट में इंटरवेन कर रहे हैं फ़ॉरेक्स फॉरेक्स मार्केट में जाके वो एक्टिविटीज कर रहे हैं किस तरीके की बाय एंड सेलिंग जो है उनकी डोमेस्टिक कंट्री की या फॉरेन करेंसीज की तो वो जो वो एक्टिविटी करते हैं ट्रांजेक्शन करते हैं बाइंग एंड सेलिंग की इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में मॉडरेट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को तो उसी सिस्टम को हम डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं नेक्स्ट इज अप्रीशियशन एंड डेप्रिशन ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन जो एक्सचेंज रेट में होते हैं वो फेवरेबल भी हो सकते हैं और वो अनफेवरेबल भी हो सकते हैं जो डोमेस्टिक करेंसी है आपकी वो अप्रिशिएट भी कर सकती है डेप्रिशिएट भी कर सकती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब है कि जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की वो रिड्यूस हुई है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इसका मतलब कि आपको ज्यादा यूनिट्स डोमेस्टिक करेंसी की पे करनी पड़ेगी एक यूनिट फ़ॉरेन करेंसी की गेन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो एक्सचेंज रेट है इंडियन रुपी और यूएस डॉलर का वो एक डॉलर का है सिक्सटी रुपीज आफ्टर डेप्रीशिएशन क्या होगा आपको एक डॉलर को लेने के लिए ज्यादा जो रुपीज है वो पे करने पड़ेंगे तो अगर एक्सचेंज रेट एक डॉलर का सिक्सटी फाइव रुपीज हो जाता है पहले था एक डॉलर का एक्सचेंज रेट सिक्सटी रुपीज तो ये आपका डाप्रीशे, होगा डोमेस्टिक करेंसी का इन केस ऑफ एप्रीशियशन क्या होता है जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर एग्जांपल जो एक्सचेंज रेट है आपका इंडियन रुपी का और यूएस डॉलर का वो है एक डॉलर का सिक्सटी रुपीज आफ्टर एप्रिसिएशन क्या होगा आपको एक डॉलर के लिए कम रुपीस पे करने पड़ेंगे तो जो अगर एक्सचेंज रेट है वो एक डॉलर का फिफ्टी फाइव रुपीज हो जाता है तो इसे हम एप्रीशियेशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहेंगे तो जो डेप्रीशियेशन अगर डोमेस्टिक करेंसी का हो रहा है तो वो डिक्रीज करेगा इंपोर्ट्स को और उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा एक्सपोर्ट्स पर अगर एप्रिशिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का तो वो इंक्रीज करेगा आपके इम्पोर्ट्स को और डिक्रीज करेगा आपके एक्सपोर्ट्स को नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पार्टिसिपेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच